नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई शुरू। तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन ने किया स्वागत। कर्नाटक में राहुल गांधी की 10 अप्रैल को कोलार में होने वाली रैली हुई स्थगित। दिल्ली के चिकरीकला में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर। पाकिस्तान अब आतंकवादियों के खिलाफ शुरू करेगा अभियान। इंडिगो फ्लाइट में सवार यात्री ने नशे की हालत में इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश, रोकने पर किया हंगामा, CISF ने दबोचा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुखोई 30 MKI में भरेगी उड़ान। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी आज फाइनल करेगी प्रत्याशियों के नाम, कल जारी होगी पहली लिस्ट। देश भर में कोरोना के एक दिन में 6155 नए मरीज, संक्रमण दर 6.3%। और बादशाह बने किंग शाहरुख खान, टाइम 100 2023 में टॉप पर पहुंचे, मैसी मेगन मार्कल को पीछे छोड़ा।